स्वागत है सुपर मून पर। सुपर कवरेज हमारी लगातार जारी है। इस वक्त सुपर मून आसमान में चमक रहा है और लोग इसका दीदार भी कर रहे हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह भी है कि हमारे साथ मौजूद है पंडित सुनील भारद्वाज भी। और ये जो चांद है वो ज्योतिष में क्या महत्व रखता है, इस बारे में जानकारी उनसे मांगते हैं। सर, चांद ज्योतिष में क्या प्रभाव रखता है, और अगर चांद इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है तो क्या लोगों की कुंडलियों पर भी कोई प्रभाव डालेगा? किस तरह का असर पड़ सकता है चांद से, खासकर सुपर मून से जो साइज में इतना बड़ा है, सदी का सबसे बड़ा चांद यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? चंद्रमा हमारे शरीर का मन का कारक है। अगर ज्योतिष की बात करिए तो ज्योतिष पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। चंद्रमा हमारी राशि में 2.25 दिन तक रहता है, और चंद्रमा जब 2.25 दिन तक रहता है तो चंद्रमा का पूरा प्रभाव हमारी कुंडली की राशियों पर पड़ता है। यही एक ऐसा ग्रह है जो 2.25 दिन में हमारे को आठों पहर सब कुछ दिखा देता है। जैसे हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, ये हमारी कुंडली के ग्रहों पर भी प्रभाव डालता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में कि हमारे शरीर पर कुंडली के आधार पर व्यक्ति के रोग कब हों और कैसे हों, ये ऐसे लाता है। ज्योतिष की गणना जब हम करते हैं तो ज्योतिष में इसकी गणना होती है कि जिस राशि पर यह बैठता है, जिस नक्षत्र में यह भ्रमण करता है, 4 चरण तक भ्रमण करता है, वो व्यक्ति की राशि होती है। जन्म के समय जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है उसके 4 चरण होंगे, 4, 4 और 2, एक और ले लेगा तो यानी कि 9 चरण अगर आ गए दो राशियों के, एक राशि और लेगा ये तो उसके 9 चरण मिलकर एक राशि बनाएगा। 108, 27 को 4 से कर दो तो ये इसका भ्रमण काल है। इस स्थिति में घूमता रहता है और ये हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव भी डालता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात यहां पर है कि कहीं ना कहीं असर तो डाल रहा है, कुंडली पर भी असर डाला, लेकिन मौसम पर क्या असर डालेगा? हमारे साथ बड़ौदा डॉक्टर डायरेक्टर हैं मौसम विभाग के, सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि सदी का सबसे बड़ा सुपर मून इस वक्त चमक रहा है, चांद इतना करीब आ चुका है धरती पर, इसका मौसम पर प्रभाव क्या पड़ सकता है? क्या मौसम पर भी कुछ असर डालने वाला है? मौसम में कुछ बदलाव महसूस कर सकते हैं जब तक सुपर मून है? देखिए, ये पहली दफा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक है और करीब जो है 3,55,521 किलोमीटर की दूरी पे जो है पृथ्वी के दूरी पे है, जो कि सबसे समीप है। तो इसका जो असर रहेगा, जो समुद्र से उठने वाली जो हवाएं हैं तो कुछ उनके ऊपर असर रहेगा, और बाकी मौसम के ऊपर ऐसा कोई विशेष परिवर्तन नहीं पड़ने वाला है कि मौसम में कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी। चलिए, मौसम पर यहां पर कोई असर नहीं पड़ने वाला कह रहे हैं, लेकिन चांद का असर ज्वार भाटा पर तो पड़ता है। चंद्रमा इतना नजदीक है, ऐसे में मौसम तो नहीं बदल रहा, लेकिन क्या समुद्र में कोई हलचल यहां पर सुरेंद्र जी हो सकती है, या आप महसूस कर रहे हैं इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, मौसम के ऊपर तो ज्यादा प्रभाव नहीं इसका पड़ता है, लेकिन यह है कि जैसे समुद्र की जो लहरें हैं उनके ऊपर जरूर असर पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसके ऊपर इसका जरूर असर पड़ेगा। तो थोड़ी जो सी टाइड्स हैं उनमें जरूर परिवर्तन आ सकता है कुछ टाइम के लिए। तो चलिए, कुंडली आपने देख लिया, मौसम पर क्या असर पड़ने वाला है सुरेंद्र जी ने बता दिया। सुरेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित जी भी, लेकिन एक और खास जोड़ी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार उनका फिर से एक बार रुख करते हैं। समीर खान यादी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आमिर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार अब उनके पास ऐसे कौन कौन से नगमे हैं। आपसे जानूंगा समीर साहब कि ये सुपर मून जो है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि सदी में इससे बड़ा चांद कभी दिखने नहीं वाला, जितनी चांदनी बिखरने वाली है इतनी चांदनी इस शताब्दी में कम से कम नहीं बिखरेगी, अब आपको अगले सदी का इंतजार करना पड़ेगा, बहुत से वर्ष गुजर जाएंगे। ये बड़ा चांद जो है तो क्या बड़ा प्यार, बड़े तराने गीतकारों के लिए भी अच्छा मौका? जी बिल्कुल, मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये बड़ा चांद हमारी जिंदगी में बड़ी सी खुशियां लेकर आए, खूब चारों तरफ से हमें अच्छी खबरें मिलें, और ये चांद हम सब के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो और बहुत ज़्यादा खूबसूरती और खुशियों का संदेश लेकर आए। और मैं अपने आप को, हम लोग इस पीढ़ी के बड़ा अपने आप को फॉर्चुनेट, बड़ा लकी मानते हैं कि हम इस दौर में हैं, और आज हम उन लोगों में से एक हैं जो इस चांद को देखेंगे। इसके बाद जैसे कि आपने बताया, सदियों तक इंतज़ार करना पड़ेगा लोगों को इस चांद को देखने के लिए, और इस तरीके से धरती से चांद का ये रूप देखने के लिए। तो हम बहुत अपने आप को लकी मानते हैं, और
हम चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर इस जश्न को और चांद के इस खूबसूरत से रुख को और सेलिब्रेट करें और कुछ खूबसूरत गीतों के साथ इसको संवारें। समीर साहब, चांद की बात जब जब होती है तो लोग महबूबा से कंपेयर जरूर करते हैं चांद का। कभी चांद सा रोशन चेहरा आ जाता है, कभी कोई चांद से महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। तो ये जो महबूबा और चांद का कंपेयर होता है, कोई इस तरह का गीत आपको याद आ रहा हूँ? जी, आपने आपने कहा पहला जो आपने बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग अभी गुनगुनाया और आपने वर्स बोले, तो मैं वही थोड़ा सा आप तक पहुँचाना चाहूँगा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीले आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीले आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी बात है। रफी साहब की आवाज और जिस तरह से यहाँ पर शम्मी कपूर जी, चांद, शर्मिला टैगोर जी उनके सामने थी और कंपेयर कर रहे थे, ये सदाबहार नगमा है और कहीं ना कहीं चांद गीत में कितना असर रखता है, और खासकर इतना बड़ा चांद होगा तो गीतकार भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिरकार अपनी महबूबा के लिए क्या कुछ लिख दिया जाए। तो सुपरमून के सामने अपने महबूब का दीदार हो जाए तो चांद और खूबसूरत नजर आता है, ऐसे में बात तो कुछ अलग ही दिखाई पड़ती है। लेकिन समीर साहब, कभी कभी ऐसे मंजर भी आते हैं कि जब चांद दिखता है तो महबूबा की याद आती है और महबूबा करीब नहीं होती, ऐसे में दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता है, सोचते हैं चांद की तरफ देखें कि ना देखें। तो क्या कोई पीड़ा वाला गीत भी आपको याद है कि चांद दिखाई पड़ रहा है, महबूबा की याद आ रही है लेकिन महबूबा सामने नहीं? क्या बात है, बहुत अच्छा ये थॉट आपने, चांद का एक दूसरा पहलू आपने इस टाइम बयान किया है। और कुछ याद करता हूँ जी, बहुत से ऐसे, क्योंकि चांद एक वो कुदरत का बनाया हुआ एक खास नमूना है, उस खुदा की देन है कि महबूब हमसे दूर हो या पास हो, बट एक चीज़ तो कॉमन रहती है कि हम भी उसी चांद को देख रहे हैं और वो भी उस चांद को उस वक्त देख रहा है। तो बहुत खूबसूरत इस थॉट को भी काफ़ी इस्तेमाल करा है शायरों ने, कवियों ने। तो एक गज़ल मुझे याद आई है गुलाम अली साहब की, और कुछ जैसे आपने कहा कुछ थोड़ी सैड सी, और तो उसमें भी चांद की बड़ी मिसालें दी गई हैं, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना बहुत खूब। गुलाम अली साहब की आवाज और जिस लहजे में आपने ये गीत कहीं ना कहीं गाया है, आनंद आ गया। और कहीं ना कहीं सुनने वाले जो दर्शक होंगे, एक तरफ चांद को देख रहे होंगे, आपके गीत को सुन रहे होंगे, और ऐसे में जो मंजर सामने हो रहा होगा, सुपर मून है, इतना बड़ा चांद इस सदी में नहीं दिखाई पड़ेगा, और आपके खूबसूरत गीत कहीं ना कहीं। अनिल, आपने भी सुना इस खूबसूरत गीत को, इस वक्त आप मौजूद हैं और इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत जगह यानी सुखना लेक पर आप खड़े हुए हैं और वहां से आप चांद को देख पा रहे होंगे, लोग भी तमाम वहां पर मौजूद हैं। इन गीतों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं चांद की खूबसूरती का एहसास तो होता ही है, और कहीं ना कहीं और नज़ारे जो होते हैं और खूबसूरत लगने लगते हैं, खासकर अगर चांद की रोशनी सुखना लेक पर पड़ रही हो और ऐसे गीत अगर कानों में पड़ रहे हो। अनिल,
जी बिल्कुल, देखिए शरद, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के गीत और चांद की रोशनी कुछ खास लम्हे और कुछ खास यादों को ताजा करते हैं। और क्योंकि आज सुपर मून है, सबसे बड़ा चांद जो है वो नजर आ रहा है अभी सभी को, और सभी लोग भी पहुंचे हैं उस सुपर मून को देखने के लिए, और एक होड़ सी भी लगी है लोगों में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भी लोग पहुंच रहे हैं। और इस चांद की जो चांदनी है वो कुछ खास भी नजर आ रही है, और हम सब कुछ लकी भी हैं, भाग्यशाली भी हैं कि आज इस चांद को देख पा रहे हैं, और फिर ये मौका जो है वो बहुत सालों बाद मिलने वाला है, तो कुछ खास दिन जो है वो आज नजर आ रहा है। जी जाहिर सी बात है, खूबसूरत दिन नजर आ रहा है, खूबसूरत शाम नजर आ रही है, खूबसूरत रात होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि चांद जो है सबसे बड़ा है, चांदनी बहुत ज्यादा बिखरेगी। वह छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी हमारी ये सुपर कवरेज सुपर मून पर लगातार जारी रहेगी।